ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोदी कैबिनेट में इस बार एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है और ये बात विपक्ष को पसंद नहीं आ रही है। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया था और अब मोदी सरकार बनने के बाद विपक्ष मोदी कैबिनेट में मुस्लिम चेहरा नहीं होने को मुद्दा बना रहा है। इस रिपोर्ट में देखें। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब नहीं बनाया, इन लोगों की तो घृणा है ना उन लोगों के प्रति। 2024 की मोदी 3.0 में हैवीवेट मंत्रिमंडल 71 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन इस बार एक भी मंत्री मुस्लिम समाज से नहीं है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बता बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के तौर पे बहुत ही मजबूत उभर के है, ज्यादा सीटों का आप लोग भी जानते हैं अंतर। नहीं बनाया, इन लोगों की तो घृणा है ना उन लोगों के प्रति, इसलिए सब लोग ये बात को जानते हैं। देखिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एटीट्यूड है और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी का जो एटीट्यूड है वो इस बात को दर्शाता है कि ही इज सो मच अगेंस्ट मुस्लिम, इतना ज़्यादा हेट्रेड नफरत वो मुसलमानों से करते हैं कि अपने मंत्रिमंडल में भी रखना उनको पसंद नहीं है। मोदी जी को लगता है कि देश के मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया है, इसलिए मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों विपक्ष मोदी सरकार पर प्रहार कर रहा है। बीजेपी ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों की सरकार रही, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अभी वो शपथ ग्रहण ही हुआ है, आगे भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, आगे भी संभावनाएं बनी हुई है। राजनीति में संभावना बनी रहती है और जिन लोगों को जगह नहीं मिला है आगे निश्चित रूप से उन लोगों का ख्याल रखा जाएगा। पीएम मोदी खुद भी देश के विकास में सभी के साथ होने की बात करते रहे हैं। मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। यही वजह है कि इस बार विपक्षी पार्टियां लगातार मोदी सरकार में मुस्लिम मंत्रियों का नाम ना होने से राजनीति का मौका पा चुके हैं। हालांकि खास बात यह भी है कि इस बार मोदी कैबिनेट में 5 अल्पसंख्यक मंत्रियों को जगह दी गई है। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।